हेलो एवरीवन, साल 2023 समाप्ति की ओर है, लेकिन यह कई सारी घटनाओं का एक प्रमुख केंद्र बन के गया है। हमारे साथ यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय, न्यायिक से लेकर आर्थिक, खेलकूद से लेकर यहाँ पर राजनीतिक स्तर पर कई सारी ऐसी गतिविधियाँ रही जो कि परीक्षा उपयोगी जानकारियों के साथ साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर लगातार साल भर में चर्चा में रही। हमें एक सीरीज के माध्यम से ऐसे ही प्रमुख घटनाओं को लेकर के अंतिम कुछ दिनों में यहाँ पर लगातार इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इनसे परिचित कराऊंगा, इनका एक रिवीजन कराऊंगा। ये जानकारी आपके परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से भी है और साल 2023 के एक रिवीजन के पर्पज से हम प्रमुख घटनाओं को भी यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 2023 के इस पहले अलविदा 2023 सीरीज के अंतर्गत क्या क्या प्रमुख रहा पिछले एक साल में। देखा जाए, अगर नजर डालते हैं तो बीता साल दुनिया की कई सारी गतिविधियों का एक केंद्र बनकर आया, जिसमें से अगर हम देखें तो कुछ ऐसी गतिविधियां रहीं जहां भारत जो है विश्व के सबसे बड़ी आबादी वाला यहां पे देश बन जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ब्रिटेन में किंग चार्ल्स सिटी का यहां पे राष्ट्रतिलक होता है। ब्रिटेन ने अपने 70 सालों के इतिहास में देखा जाए तो राष्ट्रगान का यहां पर जो स्वरूप था उसे बदल दिया है। और गर्मी देखा जाए तो इस साल यहां पर दुनिया में 2023 जो रहा वो सबसे ज्यादा गर्म रहा पिछले कई सालों, अर्थात अब देखा जाए तो अब तक का सबसे गर्म साल रहा 2023। इन घटनाओं को हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे, समझेंगे यहां पर कि 2023 आपको कैसे अलग रहा और किस किस तरीके के घटनाक्रम आपको देखने को मिले। तो चलिए इन घटनाओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं कि भारत कैसे विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाता है। जी हाँ, चीन से ज्यादा हो गई है भारत की आबादी और करीब देखा जाए तो 300 साल से यहां पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश रहा, लेकिन 2023 में भारत ने चीन को पिछाड़ के यहां पर सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। जी हाँ, ये घटना यहां पर देखा है तो अप्रैल में यहां पर चीन को भारत ने पीछे छोड़ा है और UNFP के मुताबिक जो भारत की वर्तमान जो जनसंख्या है वो करीब 142.86 करोड़ है। वहीं अगर हम बात करें चीन की जो जनसंख्या है वो 142.57 करोड़ है, तो भारत ने यहां पर चीन को इस साल जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ा है, पहली घटना। दूसरी चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, भारत में 2023 में जो हर दिन औसतन यहां पे 56,000 बच्चे यहां पर पैदा हो रहे हैं, जो कि एक बड़ा डेटा आपको बताता है। 56,000 जो यहां पर बच्चे हैं वो आपको इसमें पैदा हो रहे हैं, ये एक डेटा ध्यान रखिएगा, यानी साल भर में करीब 2 करोड़ बच्चे आपको भारत में जन्म लेते हैं। दूसरी, दुनिया के 78 देशों की आबादी अगर देखा जाए तो को जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 2 करोड़ के आसपास होगी, अर्थात जितना 78 देशों की आबादी है उतना भारत में हर साल यहाँ पे बच्चे जन्म ले रहे हैं। और भारत की आबादी के संदर्भ में एक कथानक और भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि भारत की आबादी की ग्रोथ रेट 1980 के बाद से यहाँ पर गिरावट देखी गई, यानी आबादी बढ़ रही है लेकिन इसकी दर जो है वो पहले के मुकाबले या कह सकते हैं पहली जैसी यहाँ पर नहीं रही है। तो ये कुछ घटनाक्रम जो भारत की जनसंख्या के दृष्टिकोण से यहाँ पर हमें देखने को मिले। दूसरी यहाँ पर जो घटना आपको देखने को मिलती है वो है 1,00,000 साल में सबसे गर्म जो वर्ष के तौर पर रहा वो 2023 यहां पर अपना नाम दर्ज करा चुका है। और 2023 देखा जाए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने ऐसे रहा जहां पे गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, अर्थात सबसे ज्यादा जो गर्म महीने रहे वो आपको ध्यान रखिएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर रहे। इसके साथ साथ 3 जुलाई 2023 को अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में सबसे गर्म दिन यहां पर था और इस दिन दुनिया का जो औसतन तापमान था वो करीब 17.01 डिग्री सेल्सियस था, अर्थात औसतन भी देखा जाए तो 17 डिग्री सेल्सियस यहां पर मिलाकर होता है, चाहे वो साउथर्न एरिया हो, नॉर्थर्न हो, ईस्टर्न हो, यू आपको वेस्टर्न हो, सभी एरियाज को मिलाकर के। तो एक जो ये डेटा आपको है इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा चीन में जो एवरेज आपको तापमान रहा इस साल वो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। उत्तरी अफ्रीका की हम बात करें तो वहां पर 50 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर देखा जाए तो तापमान यहां पर पहुंचा है। तो एक बहुत ही गर्म वर्ष के तौर पर यहां पर आपको देखा जाए तो ये आपको 2023 ने अपना आंकड़ा यहां पर दर्ज कराया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो किंग चार्ल्स थी देखा जाए तो ब्रिटेन के नए यहाँ पे राजा बन गए हैं। और यहाँ पर ये घटना यहाँ पर क्यों हुई है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 में रानी जो एलिजाबेथ द्वितीय की मौत यहाँ पर मौत हो गई थी और उनकी मौत के पश्चात जो है 70 साल के लंबे शासन का यहाँ पर अंत हो गया। अब उनके जो बेटे हैं किंग चार्ल्स तृतीय को यहाँ पर सम्राट आपको घोषित कर दिया गया। 6 मई 2023 का दिन ध्यान रखिएगा, 6 मई 2023 को वेस्ट मिनिस्टर में किंग चार्ल्स को एक शाही सेरेमनी में यहाँ पे सम्राट घोषित किया गया। उन्हें यहाँ पर देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको मुकुट है जो कि इन्हें यहाँ पर पहनाया गया है।
अब ब्रिटेन के राजा यहाँ पे 14 अन्य देशों के यहाँ पे प्रमुख होते हैं, जो कि घटनाक्रमिक तथ्य यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिटेन का राजा या महारानी जो भी होती हैं, तो वहाँ पर सिर्फ ब्रिटेन के नहीं बल्कि 14 अन्य देशों के राजा रानी या महारानी जैसे ताज उनको यहाँ पर एक साथ मिल जाते हैं। अगर हम बात करें 1745 से चले आ रहे हैं यहाँ पर नेशनल एंथम, उसको भी यहाँ पर ब्रिटेन ने परिवर्तित कर दिया है। ब्रिटेन का अपना जो यहाँ पर एंथम था, देखा जाए तो नेशनल एंथम के थीम थे गॉड सेव द क्वीन। अब यहाँ पर इसे बदल दिया क्योंकि क्वीन रही नहीं, नए जो सम्राट बने हैं वो राजा बन गए हैं, तो वहाँ पर क्वीन की जगह पर किंग कर दिया गया है, गॉड सेव द किंग यहाँ पर करना पड़ा। अब ब्रिटिश सिक्कों और नोटों पर किंग चार्ल्स द्वितीय की यहां पर तस्वीरें भी लगनी शुरू हो गई हैं और ब्रिटिश राजघराने और ऑफिशियल मोनोग्राम भी यहां पर बदला जाएगा। जो सेना की वर्दी सरकारी बिल्डिंग्स सरकारी कागजों पर भी यहां पर आपको दिखता है कि सारे परिवर्तन देखे जाएं तो यहां पर आपको ब्रिटेन में देखने को मिले। इसके बाद एक घटना जो कि हम पढ़ते हैं उपनिवेशवाद, नाइजर में देखें एक ऐसा देश जहां पे फ्रांस जो है वर्तमान समय की बात करें तो कहते हैं कि उपनिवेशवाद खत्म हो गया, लेकिन नहीं, अभी कई ऐसे देश हैं जहां पे उपनिवेशवाद उन्हें झेलना पड़ रहा है। और ऐसा ही देश एक नाइजर था जहां पर फ्रांस के द्वारा उनकी कई सारे क्षेत्रों पर एक पकड़ मजबूत हुई या फिर फ्रांस के द्वारा उन पर अधिकार यहां पर जमाया गया था। लेकिन 2023 एक ऐसा साल आया जहां पर इस बड़े घटनाक्रम में आपको परिवर्तन देखने को मिला। जी हां, फ्रांस के साम्राज्यवाद का यहां पर नाइजर में अंत हो चुका है। हम बात करें यहां पर यह घटना क्या थी, तो दिसंबर 2023 में अगर हम देखें तो नाइजर में फ्रांस से साम्राज्यवाद का अंत हुआ। नाइजर जो देखा जाए तो फ्रांस में आपको टोटल जो 125 साल की ये घटना है, 125 सालों से यहां पर नाइजर पर फ्रांस का कब्जा था और कब्जा किन क्षेत्रों पे था क्या था वो भी बताते हैं। देखिए नाइजर जो है यूरेनियम की यहां पे खदानें हैं, सोना है, तेल है और यहां यूरेनियम की 3 खदानें जो है उन पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। एक तरीके से उनका उपनिवेशवाद के तौर पे इन क्षेत्रों पर कंपनियां हैं, खदानें हैं, सोना है, तेल है, इस तरह की चीज़ उनका एक कब्जा था और यहां से जो कंपनियां थी जो फ्रांसीसी कंपनियां थी वही इनका संचालन करती थी, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता था और उनको वहां पर वो इंपोर्ट कर देते थे, यहां पर आपको फ्रांस ले जाते थे। यहां से कुल यूरेनियम का करीब 50% जो है फ्रांस जाता था। फ्रांस में देखा जाए तो जो बिजली बनती थी वो इससे बनाई जाती थी, जबकि नाइजर की 70% से ज्यादा घरों में देखा जाए तो बिजली नहीं थी, जबकि उनका ये उत्पाद है उनको इसका यहां पर लाभ मिलना चाहिए था लेकिन ये लाभ यहां पर फ्रांसीसियों को मिलता था। घटना इसके आगे यहां पर देखा जाए तो घटनाक्रम परिवर्तित कैसे हुआ, तो देखा जाए तो ये 20 कीमती जो खदानें थी यहां पर बेशकीमती खनिज वाले इस देश की यहां पर आबादी है 2.44 करोड़। इसमें से करीब 40% जो जनता है वो गरीबी और भुखमरी के यहाँ पर शिकार है, अर्थात इतना संपन्न होने के बावजूद खनिज संसाधनों से संपन्न होना, बहुमूल्य खनिज संसाधन हम कह सकते हैं, सोना ले लीजिए, यूरेनियम ले लीजिए जो कि महंगी है और आपको उधर देखिए तो आपको साथ ही साथ इसमें आपको यूरेनियम के साथ सोना है और तेल है जो कि यहाँ पर अपने आप में वैश्विक स्तर पर काफ़ी महंगी है, उनकी डिमांड लगातार बनी है, उसके बावजूद यहाँ पर नाइजर की हालत बहुत अच्छी नहीं रही है। नाइजर में देखा जाए तो अब सैन्य शासन व्यवस्था है और सैन्य शासन व्यवस्था सैन्य तख्ता पलट होने के बाद सैन्य का कब्जा यहाँ पे होने के बाद साम्राज्यवाद जो है फ्रांस का खत्म हुआ और अब यहाँ पे देखा जाए तो सैन्य सरकार ने यूरेनियम और सोना के निर्यात पर यहाँ पर रोक लगा दी है। दुनिया में अभी भी बात करें तो विश्व में अभी भी कम से कम 55 उपनिवेशित क्षेत्र हैं और इनमें से करीब 11 उपनिवेशित क्षेत्र जो हैं वो उन पर अभी भी फ्रांस का यहाँ पर कब्जा है। तो ये एक बड़ी यहाँ पर जो उपनिवेशवाद की बात की जाती है समाप्त हो गया है, अभी ऐसा नहीं हुआ है, अभी भी उपनिवेशवाद की एक स्थिति बनी हुई है। इसी तरीके से एक नई गतिविधि जो साइंस के क्षेत्र में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2023 जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी साल रहा, क्योंकि हमने एक नाम जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा चैटपीजी, 2022 में देखा जाए लॉन्च जरूर आपको चैटपीजी 2022 में हुआ लेकिन इसने जो काम किया 2023 में उसने वैश्विक स्तर पे चौंका दिया है, क्योंकि आज जो काम जो मशीनें जो है कर रही है चैटपीजी जैसी कंपनी मशीनें कर रही हैं वो हो सकते 10-20-50 आदमियों की जगह आराम से ले सकती हैं। साल भर में देखा है उसकी क्षमताएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जो काम अभी तक इंसान करते थे वो चैटपीजी बहुत ही आसानी से कर देती है और काम भी ऐसे नहीं मामूली काम नहीं, आप चाहे इसमें पार्टी की प्लानिंग करना हो, सीवी बनाना हो, मेल करना हो, यहाँ तक कि आपको कोडिंग भी यहाँ पर आपको चैटपीजी लिख सकते हैं। इसको लेकर के देखा जाए
तो एआई के जनरेटेड डेटा को लेकर एक्सआर यानी कि एक्सटेंडेड रियलिटी से भी दुनिया को परिचित कराया गया। और आज वर्तमान समय में एक्सआर का जो प्रयोग है मोबाइल गेम्स के लेकर के यहां पे सबसे ज्यादा हो रहा है। मोबाइल कह सकते हैं या फिर जितने भी तरीके गेम इत्यादि हैं वहां पर इनका काफी रोल है। गेमिंग के क्षेत्र में देखा जाए तो यूज हो रहे एक्सआर से रोजमर्रा के जीवन में आपको नए तरीके के अनुभव देखने को मिले। आप एक अलग सी वर्चुअल दुनिया को देख सकते हैं अर्थात फील कर सकते हैं घर बैठे बैठे आप किसी भी क्षेत्र को पर्वत पहाड़ नदियां या अपने ही घर में आप किसी तरीके की सजावट इत्यादि में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप बिना परिवर्तित किए उसे आप एक्सआर के माध्यम से आप उसे चेंज करके देख सकते हैं। एग्जांपल वाइज अगर हम बात करें यहां पे जैसे कि अगर मान लें अगर आपको घर में एक सोफा खरीदना है और आप सोचते हैं कि अगर घर में सोफा लगाएंगे तो कैसा दिखेगा तो आप इस एक्सआर टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे आप घर में सेट कर सकते हैं अर्थात उसको वर्चुअली फील कर सकते हैं कि यहां पर अगर मैं रखूंगा तो लुक कैसा आएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी ने इस साल 2023 को यहां पर काफी आगे बढ़ाकर ले गए। घटना यहां पर आगे बढ़ती है और भी यहां पर कई रोचक घटनाएं जैसे कि घटित हुई 2023 में। एक चीज यहां पर देखिए एक मिट्टी धूल, जी हां नासा का एक यहां पर अभियान था और इस अभियान के माध्यम से एक एस्टेरॉयड की धूल को लेकर यहां पर वापस आया। इस मिट्टी इस धूल को लेकर के यहां पर काफी ये चर्चा का विषय रहा। 24 सितंबर 2023 को यहां पर एक सुबह अमेरिका में देखा जाए तो यूटी जो है रेगिस्तान में एक स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों और सेना के अधिकारी यहां पर मौजूद थे। इसी समय यहां पर देखा जाए तो ठीक 8:55 बजे 46 किलो का एक कैप्सूल एस्टेरॉयड जो है बहुत बन्नू जिसका नाम था यहां पर एस्टेरॉयड का बन्नू नाम था वो एक मुट्ठी यहां पर मिट्टी लेकर आकर गिरता है। अब ये एक मुट्ठी जो मिट्टी है वो इंपॉर्टेंट क्यों है क्यों यहां पर इतना चर्चा का विषय रहा तो देखा जाए इसके लिए नासा के ओरिसिस रेक्स अंतरिक्षयान ने 7 साल में अरबों किलोमीटर के यहां पर चक्कर लगाया था ओसिरिस रेक्स ने। और इस अभियान के माध्यम से यहां पर देखा है तो नासा के द्वारा एस्टेरॉयड बन्नू की सतह की धूल और कंकड़ जो है ब्रह्मांड के रहस्य को पता चलेगा जो इस एस्टेरॉयड से यहां पर इसे लिया गया है ये आप देख सकते हैं। ठीक है ये एस्टेरॉयड है और यहां पर जो मिट्टी ली गई है अब उसे यहां पे पता क्या लगाने की कोशिश किया है पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो सोलर सिस्टम है इसके बनने की प्रक्रिया कैसी है भविष्य में जो छोटे ग्रह हैं वो कैसे दिखेंगे पृथ्वी की आयु कैसे आगे चल के इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है कह सकते हैं सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ उसकी यहां पे स्थिति कैसी है पृथ्वी को लेकर के यहां पे जो कयास लगाए जा रहे हैं कितने वर्ष पुरानी क्या स्थिति है तो सारी चीजों पर पता लगाना यहां पर इस मिट्टी के माध्यम से संभव हो सकता है। एक तरीके से एक शुरुआत हो सकती है काफी कुछ जानकारियां यहां पर इसके माध्यम से मिल सकती हैं। एक और बड़ा परिवर्तन यहां पे समुद्र के नीचे जैसे अंतरिक्ष में यहां पर हम नई ऊंचाइयां पहुंचे उसी तरह अंतरिक्ष में के साथ साथ समुद्र में भी देखा जाए तो नए नियम यहां पे बना दिए गए। ये नियम यहां पर है समुद्र के भीतर की खुदाई को लेकर के बनाए गए नियम है बनाए कब गए तो देखा जाए इसको लेकर एक इंटरनेशनल बॉडी है जुलाई में यहां पर इसकी मीटिंग होती है जमैका में। जुलाई में जमैका में हुए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने समुद्र के भीतर गहरे खनन को लेकर के नए अंतरराष्ट्रीय कानून बना दिए। तो अंतरराष्ट्रीय कानून को लेकर संस्था का नाम यहां पे ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो कि इस तरह के कानून बना सकती है। कानून कैसा है तो यहां पर देखिए होता क्या है का समुद्र के भीतर की खुदाई होती है और तेजी से बढ़ते इस खनन में उद्योग में मूलतः जैसे निकल जैसे यहां पे धातुओं का आप निकालते हैं समुद्र से। अब निकल जैसे जो धातुएं हैं उनका प्रयोग कहां हो रहा है वर्तमान समय में देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा इनका प्रयोग होता है और इसके माध्यम से आप इसका इस्तेमाल जो है कार हो गई उनको बनाने को लेकर के इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी इत्यादि बनाने में मूल रूप से हम निकल का प्रयोग करते हैं। इसको लेकर थोड़ी बहुत आलोचना भी यहां पर देखने को मिली है क्योंकि समुद्री जो पर्यावरण है जो पारिस्थितिक तंत्र है इस प्रकार की खुदाई और नियमों से उनको यहां पर नुकसान हो सकता है और इसको लेकर ग्रीन पीस के द्वारा आपत्ति भी दर्ज कराई गई। उनका कहना है कि देखिए प्रशांत महासागर के किनारे जो भी यहां पर देश हैं या फिर जो भी यहां पर संगठन हैं जो वैज्ञानिक हैं और ग्रीन पीस जैसी संस्थाएं हैं वो सभी यहां पर इस रूल्स को लेकर के यहां पर वो विरोध कर रहे हैं। उनका सीधा से यहां पर मत है कि देखिए इस तरह के जो कानून हैं ये कंपनियों की मदद करेंगे ना कि समुद्री सुरक्षा को यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं और इससे जो है समुद्री जो फूड चेन है वो भी यहाँ पर आपको तबाह हो सकती है या वो नष्ट हो सकती है। जाते जाते आज के लिए एक और न्यूज़ पर चर्चा करेंगे और वो है रूस यूक्रेन युद्ध जो कि लगातार साल भर यहाँ पर आपको चर्चा का विषय रहा। देखा है तो रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक एक बड़ी विशाल जनसंख्या में लोगों की यहाँ पर हानि हुई है पलायन देखने को मिला है और युद्ध अभी भी अनवरत जारी है। इस घटनाक्रम में देखें तो रूस यूक्रेन की युद्ध दूसरे साल यानी कि 2023 में भी यहां पर जारी रहा। अक्टूबर 2023 तक यहां पर 62 लाख यूक्रेन के नागरिक जो हैं दुनिया में भर में यहां पर वो शरण ले चुके हैं और इनमें से भी 55-58 लाख जो हैं वो यूरोप में जाकर
शरण ले चुके हैं। करीब 37 लाख यूक्रेन के नागरिकों को घर छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में जाकर बसना पड़ा है और दोनों ही सेनाएं जो हैं युद्ध में इस समय जो है निगरानी और सर्विलांस के माध्यम से एक दूसरे से नजर रखे हुई हैं और एक जैसी टेक्नोलॉजी भी यूज कर रही हैं और एक जैसी टेक्नोलॉजी यूज करने के कारण जो है एक दूसरे की गतिविधियों का उन्हें बेहतर तरीके से पता चल जाता है। इसके कारण जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत आगे यहां पर नहीं पढ़ पा रही हैं और युद्ध का कोई एक कह सकते हैं कि रास्ता यहां पर निकल के नहीं आ रहा है कि फाइनल यहां पर रिजल्ट कब तक आएगा और युद्ध यहां पर कब तक समाप्त होगा। तो आज के सेशन में अलविदा 2023 इंडर ईयर 2023 के तहत यहां पर हमने पहले सेगमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को यहां पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी ही 2023 के प्रमुख घटनाओं को लेकर हम मिलेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।